hello uh, my dear students and friends so welcome to the class uh, dear students in the last uh, few classes uh, we discussed about the harmonic oscillator and particularly in a box i mean how to find out the different energy Energy eigenvalues for different energy levels, and how to find out the different wave functions corresponding to the different energy levels, and how to find out the degeneracy of a certain energy level and the type of degeneracies. These all topics we covered in the last few classes. So please read those topics. And now today, uh, I have taken some. Problems from uh, based on the earlier topics. So, since we discussed the harmonic oscillator and particle in a box, so here I am taking some problems. So, these problems are the uh, previous years, uh, you know, questions. I mean, uh, these problems uh, uh, were asked in uh, a different um, competitive examination like CSIR, NET, or Zest or gate or TFR etc. So directly the uh, let us move to the problem. So here you can see uh, for the first problem is given that the potential is given here that potential Vx equal to half m omega square x square plus y square and here the range is given here x um, range of x or uh, range of y be given here and अब आ, आ, फिर भी कहा कि पोटेंशियल ज़ीरो होता है एंड रेंज ऑफ जेड भी गिवेन है ठीक है तो रेंज ऑफ एक्स एंड वाई इसके लिए जो पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल और रेंज ऑफ जेड के लिए जेड एक्सिस के लिए पोटेंशियल जीरो है ठीक है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये किस टाइप का प्रॉब्लम है हमें तो हारमोनीको ऑसिलेटर डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है और पर्टिकुलर बॉक्स डिस्कस किया हुआ है तो इसमें कुछ अलग नज़र आ रहा है आपको ये जो पोटेंशियल ये किस टाइप का अब अगर आप ये देखेंगे कि बी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हालांकि पोटेंशियल किस तरीके की है एक हारमोनिक ऑसिलेटर की है लेकिन मैंने आपको मेंशन किया था कि जब भी आप एक सिस्टम देखेंगे तो उसका पोटेंशियल तो देखेंगे साथों साथ उसका लिमिट भी देख लीजिए कि लिमिट भी आपको इम्पोर्टेंट है लिमिट क्योंकि लिमिट के हिसाब से वो सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं ठीक है सिस्टम का आ, कुछ करेक्टरिस्टिक्स इधर उधर हो सकते हैं तो यहाँ पे देखीजिए कि ये एक्स स्क्वायेयर एंड वाई स्क्वायर ठीक है ये टू डायमेंशनल पोटेंशियल है ठीक है तो टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और इसमें आप देखिए हमने मेंशन किया था कि जब लिमिट जी एक्स जीरो टू इन्फिनी तक होता है लिमिट पोटेंशियल का लिमिट या फिर एक्स का लिमिट जब जीरो टू इन्फिनिटी तक होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तो वो क्या मेंशन करता है वो हमेशा ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर मेंशन करता है ठीक है और जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डेट मीन्स नॉट ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है लिमिट हमेशा ऑसिलेटर का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है क्लियर तो हालांकि ये दोनों पोटेंशियल ये जो पोटेंशियल ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का है क्योंकि लिमिट अलग अलग है तो ये जो होता है फास्ट एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ये ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये अलोंग वाई एक्सिस ये जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है ठीक है और आप देखिए यहाँ पर z इक्वल टू z का देखिए लिमिट क्या गिवन है जीरो टू जीरो लेस देन लेस देन और इसका पोटेंशियल क्या है ज़ीरो है ठीक है ना ये हारमोनिक ऑसिलेटर का हमेशा क्या होता है या तो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है या तो जीरो इनफिनिटी होता है तो ये किस टाइप का पोटेंशियल और यहाँ पे जीरो मेंशन किया हुआ है आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा है क्या तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का पोटेंशियल हमने कहाँ पर देखा था इस टाइप का पोटेंशियल हमने पर्टिकुलर इन्हें बॉक्स में देखा था कि एक बॉक्स uh, एक सर्टेन रीजन में सर्टेन विथ में पोटेंशियल जीरो होता है और आउटसाइड द बाउंड्री और आउटसाइड द वित्त और ऑन द बाउंड्री तो क्या होता है पोटेंशियल uh, इनफाइनाइट होता है तो हालांकि यहाँ पर इनफाइनाइट गिवेन नहीं है वो मेंशन नहीं किया है तो सिर्फ इसमें ये किया है कि ज़ीरो गिवेन है विद इन दिस रीजन तो मतलब यहाँ पर अगर जैद Uh, किस्म के अंदर है लाई कर रहे हैं जीरो और ए के अंदर तो इसका मतलब है द वीट ऑफ द पोटेंशियल क्या है ए होता है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर ये एक किस टाइप का पोटेंशियल है ये कंपाउंड पोटेंशियल की तरफ बिहेव कर रहा है ठीक है हालांकि पोटेंशियल क्या है ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है और एक पार्टिकल इन ए बॉक्स का पोटेंशियल ये तीनों मिला के एक डिफाइन किया है तो ये कंपाउंड पोटेंशियल है जब कंपाउंड पोटेंशियल आपको गिवेन होगा तब तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे आप ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी तो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होता है अगर डायरेक्ट सिंपली वन हारमोनी ऑसिलेटर या ट्रांकेटेड होता हार्मोनिक ऑसिलेटर डायरेक्टली हम फार्मूला से बता सकते थे या फिर पार्टिकुलर इन बॉक्स होता डायरेक्टली फार्मूला से बता सकते लेकिन ये तीनों एक साथ जोड़ के गिवेन है तो इसको हम क्या करेंगे तो इसका सोल्यूशन में हम डायरेक्टली मूव करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि जब तीनों पोटेंशियल हो तीनों पोटेंशियल के लिए एनर्जी आइगेन वेल्यू हमें निकालना पड़ेगा सो so, इस तीनों पोटेंशियल का एनर्जी आइगेन वेल्यू क्या होता क्या होगा तो लेट अस टेक द एनर्जी आइगेन वेल्यू तो ई e एन एक्स लिखूंगा मैं एन वाई लिखूंगा और एन जेड लिखूंगा क्लियर तो ये टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई एन एक्स प्लस ई एन वाई प्लस ई एन जेड क्लियर नाउ ई एन एक्स मतलब एनर्जी अगेन वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस नाउ एनर्जी अगेन वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस द पोटेंशियल इज गिवेन हियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बट व्हाट टाइप ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ये लिमिट देख के पता चल गया ट्रांकेटेड सो ट्रांकेटेड का जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला किया था टू एन एक्स होगा प्लस थ्री अपॉन टू होगा और ये क्या होगा ए स्काट ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा है प्लस एन वाई एन वाई का है ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर डिफाइन कर रहा है लेकिन ये ट्रांकेड नहीं है नॉट जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसका वैल्यू क्या होगा एनर्जी आइगन वैल्यू एन वाई प्लस हाफ यू नो ए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बट एन जेड के लिए एन जेड क्या है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है पार्टिकल इन ए बॉक्स सो पर्टिक्यूलर इन ए बॉक्स का जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हमें पुट करना पड़ेगा सो इन ए बॉक्स का एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा एन जेड स्क्वेयर यू नो पाई स्क्वायर ए स्का्टेर अपन अपन टू मास ऑफ द पार्टिकल सपोज एम है और विथ कितना है क्योंकि विथ स्क्वायर सो विथ ए तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी नाओ इस टोटल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे ये एनएथ स्टेट का है ठीक है नाओ जब भी हमारा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकलना है तो उसका पहले तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकलना पड़ेगा देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम निकालेंगे नाउ ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट एनर्जी निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो एन एक्स एन वाई और एन जेड का डिफरेंट वैल्यूज है वो हमें पुट करना पड़ेगा आपको ये बात पता होगा जब भी हम फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं ट्रांकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर का या जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनएक्स एंड एन वाई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री लाइक दिस और एन जेड हार पार्टिकर बॉक्स का क्या होता है स्टार्ट फ्रॉम वन टू थ्री फोर लाइक दिस ठीक है तो फॉर ग्राउंड स्टेट हम लिख लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट के लिए इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा सो ग्राउंड स्टेट फॉर ग्राउंड स्टेट क्या होगा एनएक्स का वैल्यू जीरो होगा या फिर एन वाई इज ऑल्सो जीरो और एन जेड इक्वल टू कितना होगा एन जेड इक्वल टू वन होगा यह बात आप समझ पा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन तो हमारे ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा तो डेट विल बी ई जीरो जीरो वन ठीक है तो नाउ एन एक्स अगर जीरो पुट कर दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा थ्री बाई टू ए स्का्ट ओमेगा तो एन वाई जीरो पुट कर दूंगा यहाँ पर क्या होगा हाफ ए स्का्ट ओमेगा और एन जेड वन पुट कर दूंगा तो यहाँ पे पाई स्क्वायर ए स्काट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर यही होगा फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे थ्री बाई टू और हाफ तो ये क्या हो जाएगा टू ए स्का्ट ओमेगा प्लस पाई स्क्वायर ए स्काट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर तो दोस्तों ये हमारा आ गया क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ठीक है

तो अब देखिए हम कहाँ पे भेरी करेंगे या फिर इसमें अगर भेरी करेंगे एक्स का जो एन वाई का जो कॉम्बिनेशन है वन ज़ीरो ले सकता हो या ज़ीरो वन ले सकता हो और इसको मैं फिर क्या ले सकता हो टू भी ले सकता हो लेकिन क्योंकि हमें ये बात पता है कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी वो एनर्जी होता है जो जस्ट ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट होता है ठीक है तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा ताकि हमें ये निकल कर आया है कि वो एनर्जी जस्ट ग्रेटर देन डिस अमाउंट ऑफ एनर्जी आई मीन ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो वो निकलना पड़ेगा न यहाँ पे सिंस सिस्टम दो है तो यहाँ पे एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो टोटल एनर्जी है और अ पार्टिकुलर ने बॉक्स तो हम किस में वेरिएशन लेंगे तो वो देखना पड़ेगा तो एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ एक सिंपल सा तरीका तो आप कैसे लेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यू मतलब वेरिएशन किसका है ये टू ओमेगा पाई स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर इसका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है कि उसके इसका ऑर्डर इतना ज़्यादा है ऑर्डर किसका ज़्यादा है ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्योंकि ए काट का ऑर्डर कितना होगा ए कार्ट का जो ऑर्डर होता है टेन टू तो टी पावर माइनस थर्टी फोर और ए कार्ट स्क्वायर का टेन टू तो टी पावर माइनस तो क्या होगा माइनस सिक्सटी एट तो मैं लिख लेता हूँ कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस तो वेरिएशन में किसमें ज़्यादा होगा कि यहाँ पर ए स्कर्ट का जो ऑर्डर होगा तो टेन ट्वी पावर माइनस थर्टी फोर है यहाँ पर ए स्कर्ट का जो ऑर्डर होगा टेन टूटी पावर माइनस थर्टी फोर है और यहाँ पर ए स्कर्ट स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा टेन टूटी पावर माइनस सिक्सटी एट होगा अब समझ पा रहे हो क्योंकि हम हमें चेंज कहाँ पे होगा ये जो कोफिशियंट है ये जो कोफ़िशियंट है एस कार्ट और एस एस कार्ट इसमें ही चेंज होगा यहाँ पे अगर जितना वैल्यू लेंगे हम तो सबसे तो हमारा तो जो क मतलब वेरिएशन सबसे आ, बड़ा या ज़्यादा उसमें हम एस काट का आएगा ना एस काट का आएगा तो हम इसमें लेंगे कि हम किस में वेरिएशन करेंगे किस में ज़्यादा लेंगे अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ कि अगर अगर मैं ये टेन टू दि पावर माइनस सिक्सटी एट और टेन टू दी पावर माइनस थर्टी फोर कौन सा छोटा है ये छोटा है कितना छोटा है हाँ बहुत ही छोटा है टेन टू दी पावर माइनस थर्टी अगेन थर्टी फोर टाइम्स छोटा है ठीक है तो ये बहुत ही टेन टू डी पावर माइनस थर्टी फोर कितना है टेन के पीछे और थर्टी फोर जीरोस लगा दीजिए तो ये ऐसा होगा ना तो तो ये बहुत ही एक वेरिएशन में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे अगर ये बहुत ही कम है अगर उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और इन दोनों को हम फिक्स रखेंगे तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू आएगा मान लीजिए कि वो सपोज पी है ठीक है और हम इसको फिक्स करेंगे या इसको भी इसके और इसको मैं वेरिएशन वेरी करूंगा इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा वो जो वैल्यू आएगा वो मान लीजिए कि सपोज क्यूँ है लेकिन आप आप मुझे बताइए कौन सा छोटा होगा कौन सा आ, मतलब ज़्यादा होगा तो जो छोटा में वैल्यू में अगर हम कुछ इंक्रीज करेंगे वो जो वैल्यू है बड़ा में कुछ इंक्रीज फिर तो ये और बड़ा हो जाएगा तो ये अगर कुछ इंक्रीज करेंगे तो ये फिर भी क्या होगा छोटा होगा तो ये पी देन क्यों होगा आप समझ पा रहे हो मेरे बात कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर जो भी है तो इस तरीके से हमको एक आइडिया ले सकता हूँ कि हम किस में वेरिएशन करेंगे या फिर यहाँ पे देखिए तीन वेरिएशन होगा या मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को इन दोनों को मैं फिक्स्ड कर रखूँगा तो इन दोनों को अगर मैं फिक्स रखूँगा तो ज़ीरो जीरो में रखूँगा तो जीरो जीरो ही में रखूँगा तो और इसको वेरी करूँगा मतलब यहाँ पे जो एन जेड वेरी करूँगा एन जेड इक्वल टू इस बार टू कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने तो ये क्या होगा ये तो सेम ही रहेगा ये टू ए कट ओमेगा रहेगा प्लस यहाँ पे एन जेड इक्वल टू टू होगा तो ये फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपन टू एम ए स्क्वायर ये वैल्यू एक वैल्यू है और एक कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इसको मैं फिक्स्ड करके रखता हूँ इसको मैं फिक्स्ड करके रखता हूँ यहाँ पे भेरी करते हैं एन एक्स के भेरी करते हैं तो एन एक्स मान लिया कि फार्स एक्सट रेस्टेड के लिए सपोज मान लिया वन तो ये भी ये भी मैंने फिक्स करके रखा ये भी मैंने फिक्स करके रखा तो वन ज़ीरो वन जीरो वन कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें क्या होगा मतलब इसको मैं वन मान लिया तो ये न, क्या होगा टू प्लस थ्री अपन टू मतलब सेवन बाई टू सेवन सेवन बाई टू और हाफ़ इसको मैं ज़ीरो ही ले चलता हूँ सेवन बाई टू हाफ तो फोर ए स्का्टमेगा प्लस आ, ये फिक्स्ड करके रखा है पाई स्क्वायर ए स्काट स्क्वायर अपन टू एम ए स्क्वायर क्लियर और अनदर कॉम्बिनेशन की इन दोनों को फिक्स करके रखूंगा मैं ये इंक्रीज कर दूंगा तो ये जीरो वन वन तो ये कॉम्बिनेशन होगा फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए इसको मैं वन कर दिया इसको जीरो तो थ्री बाई टू ए स्काट ओमेगा इसको वन कर दिया थ्री बाई टू ए स्काट ओमेगा आ जाएगा तो इसमें क्या होगा थ्री बाई टू स्काट ओमेगा बाई थ्री बाई टू ए ओमेगा कितना होगा थ्री ए स्काट ओमेगा प्लस तो ये क्या होगा पाई स्क्वायर ए स्काट स्क्वायर अपन टू एम ए स्क्वायर नाउ इन तीनों वेलू में से कौन सा वेल्यू सबसे लोएस्ट है आप मुझे बता दीजिए कि इसमें हमने वेरिएशन कहाँ पर किया ए स्काट स्क्वायेयर वाले में किया इसमें ये दोनों फिक्स्ड है लेकिन ये ए, एस कार्ट में किया तो मैं अभी मैं बताया कि जो एस कार्ट का भी ऑर्डर होता है टेन ट्वेंटी पॉवर माइनस सिक्सटी एट ये बहुत ही कम है यहाँ पे अगर हम कुछ इंक्रीज करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो हमेशा छोटा होगा इन दोनों में से क्योंकि यहाँ पर टेन ट्वेंटी पॉवर माइनस थर्टी फोर में हम वेरी इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है थीके? तो अब देखिए इन दोनों से सबसे लोएस्ट कौन है ये होता है सबसे लोएस्ट ठीक है तो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेकिन ये एनर्जी और ये एनर्जी क्या होता है ग्रेटर देन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये टू एस कट होमेंगे टू एस कट होमेंगे यहाँ पर वन है यहाँ पर फोर है तो इन दोनों में से ये ग्रेटर होगा जस्ट ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट ठीक है तो ये हमारा कहला जाएगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी तो ये हमारा फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इन दोनों को हमने क्यों नहीं लिया क्योंकि उसका पे इन दोनों के पहले ही एक कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है और ये तो ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इस टाइप का प्रॉब्लम आ चुका है नेट uh, एग्जामिनेशन में तो आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू फाइंड आउट द फास्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फॉर ए कंपाउंड पोटेंशियल मतलब बहुत ही जब बहुत सारा पोटेंशियल इकट्ठा करके दिया जाएगा तब तो हम कैसे निकालेंगे तो हम अगले तो एक एक और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है दोस्तों ये एक प्रॉब्लम मैंने लिया हो तो ये प्रॉब्लम आप देखिए यहाँ पर क्या गिवेन है कि पोटेंशियल गिवेन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी तो आप देखिए इस पोटेंशियल को देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये कि, किसका पोटेंशियल हो सकता है हाफ एम स्क्वायर अगर यहाँ पर ये ना होते सिंपली एक्स स्क्वायर होते तो हम डायरेक्टली बोल देते कि ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का है ठीक है अगर कभी भी अगर अगर आपको सपोज मान लीजिए कि पोटेंशियल का लिमिट गिवन नहीं है तो हमेशा आप क्या मान के चलेंगे वो नॉन ट्रांकेटेड मतलब जनरल हार्मोनिक आइसोले ऑसिलेटर वो मान के हम चलेंगे लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर गिवेन नहीं है तो कुछ और टर्म गिवेन है तो हम क्या करेंगे इस पोटेंशियल को कैसे करेंगे हालांकि ये एक ऐसा लग रहा है कि फिफ्टी परसेंट लग रहा है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इसको देख के लग रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही प्रॉब्लम होगा शायद लेकिन यहाँ पर और फिफ्टी परसेंट हमें ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो उस दिक्कत को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं सो लेट अस सॉल्व देखिए पोटेंशियल गिवेन है भी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स माइनस बी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए दो तरीका है तो एक तो है वेव फंक्शन आप इसका ड्रॉ कर लीजिए या इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए उससे भी कर सकते हैं और एक तो है एनालिटिकल मेथड जो सिंपलेस्ट तरीका है तो मैं एनालिटिकल मेथड से यहाँ पर कर रहा हूँ देखिए अगर यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर नहीं है कुछ और फंक्शन गिवेन है तो इसको हम क्या हम एक्स स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इजीली कह पाएंगे कि यह ऑसिलेटर का है तो लेट अस सी तो हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी ठीक है क्योंकि इसको हमें क्या करना है स्क्वेयर टर्म में कन्वर्ट करना है तो मतलब इस फॉर्म इस फंक्शन को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ठीक है तब हम कह पाएंगे कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है ठीक है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर अगर मैं इसको एक्स स्क्वेयर रख देता हूँ और यहाँ पे मैं टू लिखता हूँ एक्स लिखता हूँ और बी बाई टू लिखता हूँ कुछ अलग लिखा क्या टू टू कैंसिल हो गया एक्स बी वही लिखा है प्लस मैंने यहाँ पर b बाई टू होल स्क्वायर लिख दिया ठीक है और तो ये एक्स्ट्रा लिख दिया तो इसको भी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा b बाई टू एक्स्ट्रा ठीक है होल स्क्वायर तो आप मुझे बात एक बात बताइए तो ये जो टर्म है एक दो तीन ये तीन टर्म मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या ऑब्वियसली बन सकता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस बी अपन टू होल स्क्वायर और माइनस अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह क्या होगा माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन फोर तो ये क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एट क्लियर तो ये आ जाएगा नाउ तो हमारा पोटेंशियल क्या आया ये आया तो आप क्या आपको पता चल गया होगा कि ये किस टाइप का एक पोटेंशियल ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल ये क्या है ये बेसिकली यह कांस्टेंट है यहाँ पर बी कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है ठीक है ये कॉन्स्टेंट है तो हार्मो ऑसिलेटर अगर आप अगर एक कॉन्स्टेंट टर्म पोटेंशियल में ऐड करेंगे क्या वो इफेक्ट करेगा एनर्जी आइगन वैल्यू में नेवर वो एनर्जी आइगन वैल्यू में इफेक्ट नहीं करेगा वो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे कहाँ पर एनर्जी आइगन वैल्यू में डायरेक्टली ये हम पुट कर देंगे ठीक है तो इस टर्म को देख के ये बात पता चल गया होगा कि ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम है और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा अलग है एक्स स्क्वेयर नहीं एक्स माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर अब देखिए जब हमारा सिंपल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे कि बी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वेयर तो इसको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो कैसे ड्रॉप एक पैराबोलिक ग्राफ आया था ऐसे पैराबोलिक तो ये होता था जीरो ठीक है मतलब ये x इक्वल टू जीरो होता है मतलब x इक्वल टू जीरो पर क्या होता था द पोटेंशियल इज ज़ीरो होता था ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि x इक्वल टू बी बाई टू पर पोटेंशियल जीरो हो रहा है फॉर अबाउट डिस् तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट है ठीक है x क्योंकि इसके लिए हमें एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना है तो ये डायरेक्टली हम एनर्जी में पुट कर देंगे तो ये x इक्वल टू बी बाई टू में क्या होगा पोटेंशियल जीरो होगा ये वैल्यू ये टर्म क्या होगा जीरो होगा होल टर्म जीरो होगा यहाँ पर x इक्वल टू मतलब ये हम कुछ यू ही लिख सकते थे कि x माइनस जीरो होली स्क्वायर लिख सकते थे मतलब x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल जीरो है तो यार जीरो यहाँ पे जीरो की जगह b बाई टू है तो कुछ यू इस तरीके की पोटेंशियल होगा या अगर ये मैं जीरो मान के चलता हूँ और ये b बाई टू सपोज तो तो ये जीरो बाई जी, कहाँ पर होगा ये कुछ ईस्ट यू ही प्रॉब होगा एक पैराबोलिक क्राफ्ट मतलब ये जीरो है और ये एक्स बी बाई टू है एक्स इक्वल टू जीरो में पोटेंशियल निगेटिव होगा पोटेंशियल जो वेलू होगा आप देखिए यहाँ पर एक वेल्यू आ जाएगा बट मतलब यहाँ पर एक्स इक्वल टू बी बाई टू में पोटेंशियल ये जो टर्म है ये जीरो आएगा आएगा क्या अब देखिए यहाँ पर आएगा तो ये भी एक मतलब क्या है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम है तो वो गिवेन क्या है ऑसिलेट किस किसके वजह से कर रहा है अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट हार्मोनिक ऑसिलेटरी का है ठीक है और इसका एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा तो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू होगा ठीक है इसके लिए जो भी है इसके लिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर उधर कर रहा है लेकिन तो वो है तो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होगा एनएक्स मतलब एनए स्टेट के लिए तो हम क्या लिखेंगे एनएक्स प्लस ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ट्रांसलेटेड नहीं है तो एनएक्स प्लस हाफ ए द ओमेगा ओमे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी यहां पर थे और डायरेक्टली एनर्जी ये वैल्यू मैंने आप पहले बता दिया कि ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर कांस्टेंट जो प्लस हो या माइनस हो वो हम यहां पर लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वेयर बी स्क्र अपन एट क्लियर अभी आपको पूछ रहा है कि फास्ट एक्साइटेडेड आई होप यू गॉट द आइडिया हाई टू हाउ टू सॉल्व एनालिटिकल मेथ यूजिंग एनालिटिकल मेथड तो अभी ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है जब हम एनएक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये आपको देगा हाफ ए एच कट ओमेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एट तो ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनएक्स इक्वल टू वन लेंगे तो ये क्या वन डी में तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तो वन लेंगे तो ये क्या होगा थ्री अपॉन टू ए स्क्वार ओमेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एट तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्लियर तो यही हमको पूछा गया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगा तो इस तरीके से अगर अगर पोटेंशियल में कुछ यू डायरेक्ट स्क्वायर गिवन नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ताकि हम लास्ट में क्या करेंगे तो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के तरह ऑसिलेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हार्मोनिक तो ऑसिलेटर होगा सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजिशन तो मतलब पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होगा वो अलग अलग होगा मतलब शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम पोजिशन यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बहुत बार आ चुके हैं सो आई होप यू गॉट द आइडिया नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों और एक प्रॉब्लम मैं लिया हूं यहां पर देखिए कि डायरेक्टली हमें पोटेंशियल गिवेन है कि वी एक्स इक्वल टू भी नॉट मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस टू एक्स और अनदर कंडीशन गिवेन है इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन वन डेन फाइंड अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो ये कुछ अलग पोटेंशियल आपको दिख रहा है आपको ये पता नहीं चल गया होगा कि ये हारमोनिक ओसिलेटर है या क्या है तो इसको इस टाइप इस का प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली सोल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए इसमें जो ये वी नॉट जो है वी नॉट कॉन्स्टेंट है ठीक है तो वी एक्स इक्वल टू गिवेन है जब वी नॉट थ्री माइनस टू ई रेस टू डी पावर ए एक्स स्क्वेर क्लियर आप एक बात मुझे एक बात बताइए क्या मैं इसको इस ऐसे लिख सकता हूँ क्या थ्री माइनस टू ई टू डी पावर माइनस ए स्क्वायर एक्सपांशन क्या होगा कि ई टू डी पावर माइनस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है वन माइनस एक्स देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री तो इस तरीके से होता है तो अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा तो ये क्या होगा वन माइनस ए एक्स स्क्वायेयर ठीक है और जब नेक्स्ट टर्म आएगा तो वो ए एक्स स्क्वायेयर का होल स्क्वायेयर डिवाइडेड बाई टू मतलब ए स्क्वायर टार्म आएगा और नेक्स्ट बार फिर क्यूब में आएगा ए क्यूब में आएगा लेकिन आपको यहाँ पर बता रहा है कि ए इज वेरी वेरी लेस देन वन जब इसका मतलब क्या है अगर ए इज वेरी वेरी लेस देन वन अगर उसका ए स्क्वायर लेंगे और कम हो जाएगा ए क्यूब लेंगे और कम हो जाए जितना हायर ऑर्डर ऑफ ए होगा वो वेरी वेरी लेस देन वन मतलब और कम हो जाएगा तो इससे इस कम्प इन दोनों के कंपैरिजन में वो नेग्लेक्ट कर सकता हो इसीलिए ये कंडीशन गिवेन है तो फर्स्ट टू टर्म हम लेंगे यहाँ पर क्लियर तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस टू ए एक्स एस क्लियर और मैं इसको वी नॉट तो क्या करूँगा यहाँ पर वन प्लस टू ए एक्स स्क्वेर क्लियर और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ वी नॉट प्लस टू ए वी नाट एक्स एस ये हमारा कि सिंप्लीफाइड पोटेंशियल आ गया ना आप इसको देख रहे हैं इसको देख के कुछ ऐसे महसूस हो रहे होंगे कि ये किस टाइप का पोटेंशियल है भीनोट तो कांस्टेंट है जो आप इसलिए टाइप जो मैंने किया था कि पोटेंशियल भीनोट अगर पोटेंशियल के साथ कुछ कांस्टेंट गिवन है तो वो एनर्जी में भी डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे वो एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनर्जी एनित स्टेट में कुछ मतलब इफेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली हम वहाँ पर जो साइन के साथ यहाँ पर गिवेन है वही हम वहाँ पर पुट कर देंगे नाउ लेकिन यहाँ पर गया है कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर कुछ भी नॉट या ए या टू ये तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है लेकिन ये एक्स स्क्वायर है तो एज अब एक्स स्क्वायर है ये कुछ पैराबोलिक आ रहा है मतलब यहाँ पर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर में गिवेन है कुछ और फॉर्मेट में गिवेन है ठीक है कुछ और फॉर्मेट में गिवेन है तो क्या अगर हाफ अगर हम एज एज ए नोट अप लिख सकते हो यहाँ पर कि अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमारा हाफ़ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता तो हम डायरेक्टली एनर्जी आइगन भी लो लिख देते लेकिन यहाँ पर कुछ और गिवेन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें पता नहीं है मास क्या है वो हमें पता नहीं है क्या हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा तो अगर मैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ कंपेयर करूंगा तो एनर्जी आइगेन वैल्यू भी हम मैं लिख सकता हूं ठीक है तो मैं क्या करूंगा कंपेयरिंग कंपेयरिंग तो इसको मैं हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ये कंपेयर करूंगा इसके साथ मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं टू ए वी नॉट एक्स स्क्वायर क्लियर तो यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायेयर कैंसिल होगा यह तो यह बेसिकली यहाँ से हमें निकालना क्या है कि ओमेगा निकलना है तो ओमेगा निकल के आएगा मतलब फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा टू अंडर रूट ऑफ ए वी नॉट अपन एम ठीक है तो ये आ गया हमारा क्या कि ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया तो हम डिरेक्टली अगर तो डी फोर हमारा वी एक्स कितना होगा वी एक्स क्या हम ये लिख सकते हैं कि जैसे भी नॉट ठीक है तो अगर भी अच्छा डायरेक्टली एनर्जी आइगन वैल्यू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एनर्जी आइगन वैल्यू क्योंकि हमें ओमेगा पता चल गया मतलब फ्रीक्वेंसी पता चल गया अगर मैं इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल के हिसाब से लिखूँ तो हमें फ्रीक्वेंसी ये पुट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवेन है इस फॉर्मेट को मैं इसमें कन्वर्ट कर लिया ठीक है तो एनर्जी आइगन वैल्यू में क्या लिखूंगा ई एन एक्स क्योंकि वन डायमेंशन में है और एनएक्स प्लस हाफ ऑफ ये हमारा स्टैंडर्ड था एस्काट अगर ये होता तो डायरेक्टली एस्काट ओमेगा लिखता लेकिन यहाँ पर ओमेगा नहीं है कुछ ओमेगा का वैल्यू हम इससे कंपेयर करके ये निकल के आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू अंडर रूट ऑफ़ ए वी नॉट अपॉन एम क्लियर तो ये हो गया हमारा Uh, एन एथ स्टेट का एनर्जी है घिन बिलू प्लस हम के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट गिवेन है तो ये लिख देंगे नो हमारा क्वेश्चन क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकलना है अगर ग्राउंड स्टेट तो एनएक्स इक्वल का वैल्यू कितना होगा जीरो इसका मतलब ई जीरो इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए स्का्ट मल्टीप्लाइड बाई टू अंडर रूट ऑफ ए वी नॉट अपन एम प्लस वी नॉट तो ये ये कैंसिल हो गया तो हमारा uh, सॉल्यूशन so, होगा कि इसकाट अंडर रूट ए भी नोट बाई एम प्लस भी नोट तो ये आ गया हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू तो इस तरीके से हम इस टाइप का जो प्रॉब्लम गिवेन होगा तो हम स्टैंडर्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ कंपेयर करके उसका फ्रीक्वेंसी कंपेयर करके फ्रीक्वेंसी निकाल के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तो ये एक सिंपलेस्ट uh, आइडिया है इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बार आ चुके हैं ठीक है थीके? तो नेक्स्ट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों ये प्रॉब्लम मैंने लिया हूँ यहां पर कि यहां पर गिवेन क्या है कि पोटेंशियल भी एक्स इक्वल टू जीरो है और उसका लिमिट देखिए एक्स का लिमिट माइनस ए बाई टू लेस देन एक्स लेस देन ए बाई टू और इस लिमिट को हम किस टाइप के और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए बाई टू और गिवेन है इंफिनिटी अदरवाइज और अदरवाइज का मतलब है हम इस तरीके की मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आपको गिवेन क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड आई फंक्शन दैट डेट द वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्लियर आपको देख के पता चल गया होगा कि ये जो एक पोटेंशियल है किस टाइप का पोटेंशियल है पार्टिकुलर इनर बॉक्स का वन डी वन डी बॉक्स का पोटेंशियल है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे क्लियर तो एनथ स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इस पोटेंशियल को मैं ड्रॉ करता हूँ कि इस पोटेंशियल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ क्लियर तो इस पॉइंट को मैं जीरो मान के चलता हूँ सपोज और माइनस ए बाई टू तो ए बाई टू ये माइनस ए बाई टू ये प्लस ए बाई टू तो मतलब ये क्या गया कि ये जो वन डी पोटेंशियल है इस बार जीरो यहाँ पर है और इसमें पोटेंशियल जीरो इज इक्वल टू जीरो इनसाइड दिस यू नो बॉक्स ठीक है और पोटेंशियल इन्फिनिटी क्या है इन बाउंड्री के ऊपर इन बाउंड्री के ऊपर और आउटसाइड द बाउंड्री पोटेंशियल इंफिनिटी है मतलब एक्स जब ग्रेटर डेन होगा ए बाई टू और यू नो ग्रेटर डेन होगा माइनस ए बाई टू से जब इसमें आ जाएगा इसमें तो हम उसको इंफिनिटी uh, कहेंगे क्लियर बट यहां पर ए, एक देखिए जब हम ऐसे यूँ ही बात करते थे कि एक सिंपल जब इस टाइप का पोटेंशियल था या जीरो टू ए था ठीक है ये पोटेंशियल जीरो था या इन्फिनिटी था यहाँ पर इन्फिनी था तो डायरेक्टली हम एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाए स्क्वायर ए स्का स्क्वायर अपन टू एम ए स्क्वायर लिख देते थे और वेव फंक्शन भी हम लिखते थे लेकिन क्या हम डायरेक्टली इस पोटेंशियल में हम लिख पाएंगे क्या अगर हम लिखेंगे क्या कुछ गलत होने का चांस है क्या मैं आपको बताता हूँ कि गलत होने का चांस है क्यों क्योंकि यहाँ पर विथ ए है हालांकि यहाँ पर भी विथ ए है लेकिन आप देखिए ये ज़ीरो है और ये ए है तो ये एंटी सिमेट्रिक है यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं कि नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है हालांकि विथ ए है दोनों का बराबर ही विथ है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल क्या इस पॉइंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द एक्स इक्वल टू जीरो द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक क्योंकि ये और ये जस्ट मिरर इमेज है क्लियर तो आपको एक बात पता होगा कि जब भी पोटेंशियल सिमेट्रिक होता है तो वे फंक्शन क्या होता है विल हैव ए डेफिनेट पेरिटी एक डेफिनेट पेरिटी होता है तो वो पेरिटी क्या होता है इवेन होता है और ऑड होता है इवेन हो सकता है और ऑड भी हो सकता है तो उस डेफिनेट पेरिटी के हिसाब से हमें वे फंक्शन निकालना पड़ेगा देखिए जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम अगर हमने पहले ये सॉल्व किया है जब भी गिवेन है तो हम पहले सोडिंजर इक्वेशन में पोटेंशियल को पुट कर देते हैं उसके बाद हम सोडिंजर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं और एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के बाद वे फंक्शन जब निकालते हैं तब हम बाउंड्री कंडीशन पुट कर देते हैं कि एट एक्स इक्वल टू जीरो और एक इक्वल टू ए वे फंक्शन वैनिश हो जाता है क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू ए में पार्टिकल क्या ट्रैप ही नहीं हो सकता है पार्टिकल मूव नहीं कर सकते ये इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है तो इससे पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता है बाहर नहीं जा सकता है तो वे फंक्शन अगर पार्टिकल मूवमेंट ही नहीं है तो वे फंक्शन क्या होगा तो वे फंक्शन जीरो होगा इस पॉइंट में इस पॉइंट में अगर ए बाउंड्री में जीरो होता है तो आउटसाइड में भी तो इन्फिनिटी है तो वो भी जीरो होगा सिमिलरली यहाँ पर भी बाउंड्री कंडीशन क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू और प्लस ए बाई टू में वे फंक्शन जीरो होगा ठीक है तो उस इस, इस वाले केस में इस वाले केस में जब हमारा इनिशियल में हमने किया था तब हम वे फंक्शन हमारा एक आया था इस टाइप का कुछ साई एक्स वे फंक्शन हमें ऐसे निकलता ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स तो ये हमारा वे फंक्शन निकल के आया था दोस्तों ये वे फंक्शन कैसे आ गया अगर आपको निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे सोडिंजर इक्वेशन पुट कर देंगे और सोडिंजर इक्वेशन से साइज अब निकालेंगे तब आपको ये बात ये उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरें डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से एक सोल्यूशन आ जाएगा तो और ये बाउंड्री का ये जो कांस्टेंट ए एंड बी उसको रिमूव करने के लिए हम बाउंड्री दो बाउंड्री कंडीशन हम यूज़ करते थे तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे क्लियर तो इसका जो वेब ये जो वेव फंक्शन है सॉल्यूशन है यहाँ पर करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताऊँ कि साई एट एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू में क्या होगा जीरो होगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल इन्फिनिटी है इसमें भी पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो अगर ये जीरो पुट कर दो तो इस वैल्यू में क्या आएगा इस वैल्यू में तो ये होगा आपका ए साइन के और ए तो माइनस होगा क्योंकि साइन माइनस एक्स में अगर एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू फुट कर दूंगा मैं तो माइनस ए बाई टू मतलब माइनस साइन के ए अपन टू तो यहाँ पर प्लस बी कॉस के ए अपन टू ठीक है अगर साई एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू इसमें भी पोटेंशियल जीरो है और मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा तो ये क्या आएगा साइन ए

डेफी डेफिनेट पैरिटी वे फंक्शन विल हैव ए डेफिनेट पैरिटी तो जब पैरिटी होगा पैरिटी दो तरीके की हो सकता है या तो ईवेन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है ठीक है तो ऑड या इवेन का होगा जब साई एट एक्स एक्स और साई एट एक्स इक्वल टू माइनस माइनस एक्स में होता है तो ये हम इवेन पैरिटी कहा जाता है तो और ऑड का तहत साई एक्स एक्स और माइनस साई माइनस एक्स होता है तो ये ऑड होता है नाउ यहाँ पर भी देखिए एट ए पेरिटी हम कहाँ पर निकलेंगे एक्स इक्वल टू ए माइनस ए बाई टू और ए बाई टू अब देखिए माइनस ए बाई टू और ए बाई टू में चेंज कहाँ पे आ रहा है तो इसमें आ रहा है ना ये तो इसमें आ रहा है इसमें माइनस हो रहा है तो तो ये आपको क्या कहा कहला जाएगा कि तो ये ऑर्ड पेरिटी का वे फंक्शन होगा और देखिए हारा कि आप एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू पुट करो या प्लस ए बाई टू पुट करो तो इसमें क्या आ रहा है इसमें सेम uh, है तो ये आपको इवेंट पेरिटी कहला जाएगा तो डायरेक्टली हम पहले मान लेते हैं फॉर इवेंट पेरिटी फॉर इवेंट पेरिटी इवेंट पेरिटी के लिए आपका वे फंक्शन क्या होगा साई एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं बी कॉस के ए अपन टू ठीक है तो अब हम इसको बाउंड्री कंडीशन अगर पुट कर देंगे या फिर साई एक्स इक्वल टू ए बाई टू या माइनस ए बाई टू पुट करो डेयर फॉर साई एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू हो या प्लस माइनस ए बाई टू या माइनस आप प्लस ए बाई टू में वो भेनिश हो जाएगा वे फंक्शन तो ये जीरो होता है और अब हम क्या करेंगे इसमें एक्स इक्वल टू ए बाई टू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू बी कॉस अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पर पुट किया हुआ है हालांकि इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि बी कॉस के एक्स बी कॉस के एक्स लिखू ठीक है बी कॉस के एक्स लिखू तो ये बी कॉस कॉस के ए अपन टू डेट इज इक्वल टू जीरो नाउ ये कंडीशन बी तो एक कांस्टेंट है तो ये जीरो नहीं हो सकता तो जीरो क्या हो, cos A by 2 equal to 0 हो सकता है कॉस ए बाई टू इक्वल टू जीरो हो सकता है नाउ व्हेन कॉस ए बाई टू इक्वल टू कब जीरो होगा जब के ए अपन टू इज इक्वल टू एन पाई बाई टू होगा लेकिन एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा वन थ्री फाइव डॉट 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 डैट मीन्स आप अगर एन इक्वल टू क्या लेंगे एन इक्वल टू वन लेंगे पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू ऑल्सो जीरो एन इक्वल टू थ्री लेंगे थ्री पाई बाई टू ऑल्सो जीरो फाइव लेंगे फाइव पाई बाई टू ऑल्सो जीरो तो वन थ्री फाइव ऑल ऑड ऑर्डर के लिए ये वेल्यू क्या करेगा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहां से हम आ, के का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल टू क्या आएगा एन पाई अपन ए नाउ एन इसका आ, एनर्जी आइगन वैल्यू और वे फंक्शन क्या होगा तो वो हम पुट करेंगे क्लियर तो के इक्वल टू क्या आया हमारा एन पाई अपन ए आया ठीक है तो अब देखिए एनर्जी आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे हमको ये बात पता है कि ई ई एन टोटल एनर्जी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी टू तो को पी स्क्वायर अपॉन टू एम लिख सकते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है बट हमारा यहाँ पर जो पार्टिकुलर पार्टिकुलरली बैक्स है सो विद इन डैट रीजन क्या था पोटेंशियल जीरो था ठीक है तो यहाँ पर हम जीरो पोटे भी इक्वल टू जीरो मान के चलेंगे अगेन आप देखिए कि पी इक्वल टू यहाँ पर देखिए V इक्वल टू हम जीरो पुट कर देंगे अगेन P क्वांटम मैकेनिकली पी इक्वल टू क्या है P इक्वल टू ए स्का्ट के है ठीक है तो अगर ये क्या होगा ए स्का्ट स्क्वायर के स्क्वायर अपन टू एम तो अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये यू ही एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्काट स्क्वायर आपन टू एम ए स्क्वायर ये आ जाएगा लेकिन यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट होगा वन थ्री फाइव डॉट 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 लाइक दिस क्लियर नाउ वे फंक्शन क्या होगा हमारा जो वे फंक्शन था वो साई एक्स इक्वल टू बी कॉस के एक्स था क्लियर कॉस के एक्स था तो हम बी कॉस के का वैल्यू पुट कर देंगे के इक्वल टू क्या होगा एन पाई एक्स अपन ए के इक्वल टू अगर एन पाई अपन ए पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लेकिन ये एन स्टेट का है तो हम यहाँ पर साई एन एक्स लिखेंगे ना ये आ गया हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्सटेंट इस नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट को हम कैसे निकालेंगे यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट फ्रॉम यू नो माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू हम लिखेंगे तो और उसको हम इक्वेट uh, करेंगे विथ वन तो हमारा ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट तो ये निकल के आएगा आप एक बार नॉर्मलाइज कर सकते हो तो कि अंडर उपन ए विथ इस ए होगा कॉस यू नो एन पाई एक्स अपन ए क्लियर तो ये हमारा आ गया कि इवेन पेरिटी के लिए नाउ पे यहां से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन आ जाएगा लेकिन हमारा औ, और भी मैं कर देता हूं ऑड पेरिटी की जब फॉर ऑड पेरिटी ऑड पेरिटी पेरिटी क्योंकि दो वे फंक्शन होगा ना तो ऑड पेरिटी के लिए हमारा वे फंक्शन आया था साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स ठीक है तो हम इस बार क्या करेंगे x इक्वल टू हमारा बाउंड्री कंडीशन a इक्वल एक्स इक्वल टू ए बाई टू पुट कर देंगे एंड वे फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा उस वाले केस में तो ये क्या हो जाएगा a साइन के एक्स के ए अपन टू डेट इज इक्वल टू ज़ीरो लेकिन a तो कांस्टेंट है ये ज़ीरो नहीं हो सकता है तो साइन के ए अपन टू ज़ीरो हो सकता है तो ये जीरो कब होगा वेन के ए अपन टू इक्वल टू एन पाई बाई टू होगा लेकिन एन इक्वल टू होगा टू फोर सिक्स डॉट 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 दैट मीन्स साइन पाई बाई टू इक्वल टू साइन 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 जीरो में जीरो होगा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता है वन से होगा साइन टू पाई बाई टू ठीक है साइन टू पाई बाई टू में जीरो होगा फोर पाई बाई टू में जीरो होगा सिक्स पाई बाई टू में ज़ीरो होगा जीरो जीरो होगा यहाँ पर लेकिन अब देखिए जब ये इसमें जीरो जीरो वैल्यू आ जाएगा तो आ, हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू एगेन एन फाइव अपन ए आ जाएगा ठीक है अगर एगेन आ गया सिमिलरली यहाँ से टोटल एनर्जी हम निकालेंगे हालांकि ई एन है एन एथ स्टेट का तो ई एन ई इक्वल टू क्या होगा ए स्काट स्क्वायर के स्क्र अपन टू एम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है दिस इज काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल जीरो है तो ये क्या होगा एन स्क्वायर पाई स्क्र ए स्का अपन टू एम ए स्क्वायर लेकिन यहाँ पर एन स्टार्ट कहाँ से होगा टू फोर सिक्स डॉट 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 तो ये भी ई एन है व्हाट विल बी वेव फंक्शन वेव फंक्शन हमारा था साई एक्स इक्वल टू क्या था साई एक्स इक्वल टू ये था ए साइन के का वैल्यू हम पुट कर देंगे एन पाई एक्स अपन ए ठीक है एन पाई एक्स अपन ए के का वेल्यू हमने पुट कर दिया यहां यहाँ पर नाउ तो और साई एक्स इक्वल टू ए तो जीरो नहीं हो सके ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप निकाल सकते हो सिमिलरली तो यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ अंडर टू अपन है साइन एन पाई एक्स ए तो ये एन एच स्टेट का वेब फंक्शन यहां पर एन इक्वल टू कहा एन इक्वल टू वन थ्री फाइव डॉट 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 और यहां पर इवेंट वेलूज यहाँ पर ऑट वेल्यूज नाउ अब हमें क्या पता चल गया कि हमने दोनों पेरिटी का वेव फंक्शन एज वेल एज एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल के आ चुका है हमारा यहां पर अब देखिए दोनों में से एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है क्या दोनों में से एनर्जी आइगन वैल्यू का एक्सप्रेशन सेम है लेकिन यहाँ पर एन का वैल्यू डिफरेंट है एन का वैल्यू डिफरेंट है लेकिन अब देखिए यहाँ पर वेव फंक्शन में क्या हो गया ये वेव फंक्शन और ये वेव फंक्शन यह अलग अलग है या सेम है यहाँ पर कॉस में आ गया इवन पेरिटी में यहाँ पर क्या आ गया इवन पेरिटी में ऑड पेरिटी में साइन आ गया नाउ हमारा ये ये तो पता है कि एन इक्वल टू वन में क्या होगा ग्राउंड स्टेट होगा ठीक है तो जब भी हम एन इक्वल टू वन लेंगे ग्राउंड स्टेट आएगा एब भी एन इक्वल टू टू लेंगे ग्राउंड स्टेट आएगा एन इक्वल टू थ्री लेंगे फर्स्ट सॉरी एनिकवल टू टू लेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनिकवल टू थ्री लेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन सिमिलरली फॉर वेव फंक्शन ऑल्सो बट हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी एज वेल एज द

तो मैंने क्या कहा था कि जब भी सिमेट्रिक होता है जब हमारा सिमेट्रिक नहीं होता है डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला से और यहाँ पर साइन में आता जब सिमेट्रिक नहीं था हमेशा वे फंक्शन साइन में आते थे जब सिमेट्रिक है ऑलवेज रिमेंबर डैट ग्राउंड स्टेट वे फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम कॉस नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनिक्वल टू टू जब एनिक्वल टू हम टू लेंगे तो ये और एक्सप्रेशन तो सेम है तो यहाँ पर फोर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपन टू एम ए स्क्वायर आ जाएगा बट टू जब लेंगे तब साइन आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या वे फंक्शन यहाँ पर अंडर टू अपो ने साइन टू पाए एक्स अपो ने मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए साइन में आ जाएगा सेकेंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए तो ये क्या आ जाएगा एनिकल टू तो थ्री कर देंगे वे फंक्शन क्या आ जाएगा कॉसाइन फोर्थ थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए साइन में आ जाएगा अल्टरनेट मतलब कॉस से स्टार्ट करके अल्टरनेट कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन इस तरीके से वो फंक्शन आ जाएगा तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट है हमें इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप पोटेंशियल देखेंगे उस पोटेंशियल के साथ आप उसका रीजन देखिए उसका सिमेट्री देखिए वेदर इट इज सिमेट्रिक या एंटी एंटीसीमेट्रिक तो आप उससे निकल मतलब कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि वे फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा तो ये हमारा एक क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं आ, इस क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको जानना ही पड़ेगा तो दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया है और प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस किया है तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ हम कंसेप्ट या प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं तो, आ, तो यहाँ पे मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना और लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना जो भी है आप कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आ, कोई भी डाउट पूछ सकते हो सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू